ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। वहीं गुरुग्राम में बीजेपी विधायक उमेश अग्रवाल ने सीएम खट्टर के दौरे पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सीएम अधिकारियों के बहकावे में आकर काम कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री के दौरे की मुझे सूचना नहीं थी और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी अभी भी अधिकारियों के प्रभाव में हैं। मुख्यमंत्री जी को ये चाहिए था कि पहले वो जनप्रतिनिधि से बात करते, उनके सामने अधिकारियों से बात करते, क्योंकि शिकायतें सीधी हमारे पास आती हैं और हमें धरातल की जानकारी है कि कहाँ क्या समस्या हो रही है, कौन से काम हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे। मुख्यमंत्री जी ने खाना पूर्ति करने के लिए आज दौरा किया और इस दौरे के अंदर जैसे अधिकारियों ने उनको फीडबैक दे दिया, वही फीडबैक लेकर के वो चले गए। मुझे लगता है इस प्रकार के दौरे से क्षेत्र का नुकसान होगा, इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्या आपके अलावा बाकी और भी कोई विधायक थे जिन्हें इसकी सूचना नहीं? नहीं, एक मंत्री जो राव नरवीर सिंह जी हैं वो साथ थे, जो मेरी सूचना है, बाकी विधायक नहीं थे। और चूंकि गुड़गांवा क्षेत्र में उन्होंने दौरा किया, गुड़गांवा का मैं प्रतिनिधि हूँ, तो मेरी जानकारी स्वाभाविक है कि ज़्यादा है कि कौन से काम किस स्पीड से हो रहे हैं, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। और जहाँ मुख्यमंत्री को जाना चाहिए था वहाँ नहीं गए, मुख्यमंत्री केवल अधिकारियों के साथ मिलकर के खाना पूर्ति करके चले गए। क्या इंटेंशन अधिकारियों की भी है इस प्रकार की थी कि आपको सूचना ना देके किसी तरह से? ये तो मुख्यमंत्री जी को सूचना भिजवानी चाहिए थी और उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जिन कामों के गुड़गांवा के अंदर आवश्यकता है उन कामों को लेकर के गुड़गांवा के लोगों में, पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत निराशा बनी हुई है। आज मुख्यमंत्री के दौरे में भी एक बात फिर सामने आई कि जो महाजाम पिछली बार लगा था उसका निदान कर रहे हैं, लेकिन एक साल और लग सकता है। अगर इस वर्ष भी ऐसा हुआ तो ये तो गुड़गांवा के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसी प्रकार से ना यूनिवर्सिटी की कोई चर्चा हुई कि जहाँ यूनिवर्सिटी का घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी उसकी कोई चर्चा नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी ने GMDA बनाने की घोषणा की थी कई मीटिंगें की, पहले कहा गया 1 नवंबर को शुरू हो जाएगा, फिर कहा गया जी सेशन के अंदर इसका बिल आएगा, ना सेशन के अंदर कोई बिल आया, फिर कहा गया नोटिफिकेशन करेंगे, 1 अप्रैल से काम शुरू हो जाएगा GMDA का। आज गुड़गांवा में पोश कॉलोनियों में भी बड़ी समस्या बनी हुई है, सुशांत लोक में पीने का पानी तक नहीं है, वहाँ मुख्यमंत्री जी को जाना चाहिए था। सुशांत लोक को टेकअप करने की बात थी जिसका 1.5 साल पहले उसका आदेश हो गया था, वह आज तक टेकअप नगर निगम ने नहीं किया है। RDCT के लोग कन्वेंस डीड को लेकर के परेशान हो रहे हैं, 900 मीटर के अंदर लोग परेशान हो रहे हैं, सब लोग परेशान हैं। आज पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, अभी बारिश शुरू हो जाएंगी 2 महीने बाद तो जलभराव की समस्या हो जाएगी। जिन चीज़ों पर काम होना चाहिए इतना टैक्स देने के बावजूद भी गुड़गांवा का विकास नहीं हो रहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ तो हम गुड़गांवा को हरियाणा का मुखौटा कहते हैं और दूसरी तरफ यहाँ विकास ना होना या धीमी गति से विकास होना वो दुर्भाग्यपूर्ण है।